अरविंद जी, एक बहुत दिलचस्प सामना भी यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि उस वक्त दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे नीरज कुमार जी, वो यहाँ पर हैं और आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे कोई सीरियस सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा सिर्फ एक रेप सॉल्व हुआ, वो निर्भया वाला, और बाकी रेप सॉल्व नहीं हुए, ये सरासर गलत है। 87% रेप्स दिल्ली में हर साल सॉल्व होते हैं, और अगर आप इस गैदरिंग को मिसगाइड करना चाहते नहीं, हैं सर, मैं क्लियर कर दूं, मेरा मैं मिसइंटरप्रेट हो गया। मैं पुलिस की तरफ, मैं जुडिशियल सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा था। आप अपनी तरफ से चार्जशीट फाइल कर देते हैं, कोर्ट में वो कई कई सालों तक चलता रहता है, एम आई राइट? नहीं नहीं, कोर्ट में चलता है, लेकिन आपने जो इम्प्रेशन दिया वो ये दिया। सो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, मैं क्लैरिफाई कर, नंबर एक। नंबर दो, जब आप तिहाड़ जेल में आए थे तो आपने लोगों को बताया कि अन्ना जी को एक काल कोठी में फेंक दिया गया, आम क्रिमिनल से उनको मिला दिया गया, जो सरासर गलत था। एक बात आपने ये कही थी, ये भी मैं आज के ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि आपने ये बात गलत कही थी। अच्छा, अब अगर एक रेडिंगनेस, अब मैं एक लाइटर वेन में कुछ सुनाना चाहता हूं आपको, दो मिनट मुझे समय दीजिएगा। जब आपने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से, तो एक एसएमएस मेरे पास आया, कसम से बहुत याद आओगे तुम केजरीवाल, वो तेरा मेट्रो में जाना, वो रुक रुक कर नजाकत से खांसना, वो तेरा नीली वैगन मारुति कार का दीवानापन, वो करीने से मफलर का लपेटना, वो बात बात पर धरने पर बैठना, वो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो नटखटपन, वो हर बात पर जिद करना, वो गिरगिट सा रंग बदलना, वो जनता का बिजली पानी करना, वो पूरी दुनिया को चोर बताना, वो झाड़ू मारते मारते खुद कचरा हो जाना, याद रहेगा केजरीवाल, कसम से तुम बहुत याद आओगे। टाटा स्टील से भाग गए, सरकारी नौकरी से भाग गए, आमरण अनशन से भाग गए, जनता से डरकर भाग गए, मुख्यमंत्री पद से भाग गए। इतना भागते क्यों भाई? भाग मिल्खा भाग का पार्ट टू बनाना है क्या? एक एक झाड़ू की औसत उम्र वैसे 40-45 दिन होती है, केजरीवाल तुमने तो ये साबित कर दिया। मफलर वाले ठंड में आए और ठंड में ही चले गए, एक गर्मी तो देख लेते यार।